नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो जीवामृत, वेस्ट डीकम्पोजर या अन्य कोई भी तरल खाद खेत में देने के लिए किसान भाई अपना अपना तरीका अपनाते हैं और अपना अपना जुगाड़ लगाते हैं। तो इसके लिए मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, यह है 1,000 लीटर कैपेसिटी की दो टंकियां जिसे मैं इस प्रकार से पेड़ की छांव में रख देता हूँ। देखिए, आम के बड़े से पेड़ की छांव में दो टंकियां आपको दिखेगी। आप भी लिक्विड जीवाणु कल्चर्स को छांव में रखने की ही कोशिश कीजिए। अब ऊपर से देखिए 1,000 लीटर की दोनों टंकियों को, जिसमें फिलहाल मैंने बना रखा है वेस्ट डीकम्पोजर का घोल। देखिए नजदीक से। अब देख लीजिए कि वेस्ट डीकम्पोजर को मैं किस तरह से खेत में बहाता हूँ। देखिए, टंकी के नीचे वाल्व के साथ मैंने कुछ इस तरह से एक नल फिट किया हुआ है। यह नल कैसे फिक्स करना है उसके ऊपर मैंने लगभग 1.5 साल पहले एक वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड किया था। अगर देखना चाहो तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इस नल के साथ मैंने एक कुछ इस टाइप का पाइप फिक्स किया है। देखिए, इस पाइप को मैंने कुछ इस प्रकार से लगाया है और देखिए इस पाइप का दूसरा सिरा रहेगा पानी की चैनल या नाली के ठीक ऊपर। देखिए कुछ इस प्रकार से। टंकी के साथ नल मैंने इसीलिए फिक्स किया है कि लिक्विड कल्चर्स या लिक्विड फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी मात्रा के हिसाब से उसके फ्लो को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकूं। इस तरह से यह वेस्ट डीकम्पोजर का घोल सिंचाई के पानी के साथ इस नाली के जरिए पूरे खेत में जाता रहेगा। इस तरह से एक बार में 2000 लीटर जितना वेस्ट डीकम्पोजर खेत में पानी के साथ बहा देता हूँ। तो यही था मेरा तरीका। तो अब आप मुझे बताइए कि इस काम के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हो। मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के ऊपर अपने अपने तरीके के फोटोज या वीडियोस भेज सकते हो। तो सबसे पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। दोनों प्लेटफॉर्म पर फार्मिंग टेक नाम से ही एक्टिव हूँ, या दोनों की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।